ऑल राइट माय डियर फ्रेंड्स, सो आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं इंडियाज फर्स्ट नेचुरल वे प्रोटीन। ऑफकोर्स इसमें वे प्रोटीन भी है, लेकिन इसको हर्ब्स के साथ मिलाकर बनाया गया है, जो कि इसको एक बहुत ही स्पेशल प्रोटीन बना देता है। एंड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो है चॉकलेट फ्लेवर, एंड ये जो वीडियो है ये अनबायस्ड है। यहाँ पर आपको इस प्रोटीन का ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा। स्टे ट्यून्ड। सो सबसे पहले इस वीडियो को बनाने का मैं पर्पस बता दूं आप लोगों को, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ है। देखिए, प्रोटीन के सप्लीमेंट्स, प्रोटीन के डब्बे लेना, ये हमारी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्रोटीन की ज़रूरत हमको कब पड़ती है, जब हमारी डाइट में अगर हमारा न्यूट्रिशन फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है, प्रोटीन का न्यूट्रिशन या कार्ब्स का न्यूट्रिशन, फैट का न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो पा रहा है, तब जाके हमको सप्लीमेंट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज़ आपको सप्लीमेंट चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए होता क्या है, इस वीडियो को बनाने का एक और पर्पस ये भी है कि आजकल के जो टीनएजर्स होते हैं ना, वो एक अलग ही फैंटेसी वाली दुनिया में होते हैं। वो टीवी देखते हैं, तो टीवी में उनको क्या दिखाई देता है, सलमान खान, ऋतिक रोशन, या मोबाइल में वो ये सब देखते हैं, तो वो प्रमोट करते हैं कि भाई ये वे प्रोटीन लेने से या ये खाने से मेरी ऐसी बॉडी बनी है, और हम लोग बहकावे में आ जाते हैं। फिर हम जाके पूछते हैं, ट्रेनर्स के पास जाते हैं, तो ट्रेनर भी बोलता है भाई प्रोटीन के सप्लीमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर मसल बनानी है तो। हम उसके चक्कर में आते हैं, हम उसको फिर वो अपना कमीशन कमा लेता है, तो ऐसे करके सब लोग हमको चूना लगा रहे हैं। देखिए, वे प्रोटीन लेना अच्छी बात है, आई एम नॉट सेइंग कि ये बैड है, बट किसको ज़रूरत है उसके लिए लेना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आपको बेसिकली क्या जानने को मिलेगा, इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं ओज़िवा के प्रोटीन एंड हर्ब्स की, लेकिन साथ ही साथ आपको ऐसे पॉइंट्स भी जानने को मिलेंगे कि आप अगर सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसको चूज़ कैसे करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को नेग्लेक्ट करना है। दैट्स इट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की, क्योंकि डिज़ाइन का ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, कस्टमर को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो डिज़ाइन इसकी बहुत प्रॉपर तरीके से की गई है, एंड प्रॉपरली हर एक चीज़ को अच्छे से इंडिकेट किया गया है, ताकि जब कस्टमर परचेस करे तो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको ऑब्जर्व करके ख़रीद ले। एंड खैर, डिज़ाइन के बारे में बात करना हमारा मेन मकसद नहीं है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन होता है डिज़ाइन का, इसलिए डिज़ाइन की हमने थोड़ी सी बात कर ली। अब बात करते हैं इसे क्या चीज़ है जिसने मुझे अट्रैक्ट किया, जो आपको भी अट्रैक्ट करेगी। खैर, ये अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे मिला है, तो ये इसकी मैं पैकिंग अभी उतारी नहीं थी ढंग से। खैर, अब सबसे पहले देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स ही वो चीज़ हैं, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। आप देख पा रहे हैं, अल्ट्रा फिल्टर्ड वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, क्रॉस फ्लो माइक्रो फिल्टर्ड वे आइसोलेट। खैर, ये तो सिर्फ तरीके हैं जो जिस तरीके से इसे बनाया गया है, ठीक है। अल्कलाइज्ड कोकोआ, कोकोआ पाउडर है, बहुत सारे हर्ब्स जो कि मैंने आपको पहले बताए थे, अश्वगंधा, क्लोरेला, व्हीट ग्रास, मैका, म्यूसली, ब्राह्मी, मोरिंगा, ओके, ऑल राइट। प्रॉपर विटामिन्स एंड मिनरल्स का ब्लेंड है, डाइजेस्टिव ब्लेंड है, जैंथन गम है, नेचुरल स्वीटनर विच इज़ वेरी, चलो ये एक सबसे अच्छा पॉइंट है इसका। अब बात करते हैं इसकी पर सर्विंग की, तो पर सर्विंग कहाँ पे है, ये देखिए इसकी पर सर्विंग दिखा रहे हैं यहाँ पर 32 ग्राम, क्योंकि हम लोग इसको प्रोटीन की दृष्टि से ज़्यादा देख रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, पर सर्विंग 32 ग्राम में हमको कितना मिलेगा, 116 कैलोरीज, यानी कि मतलब आप इसको ओवरऑल पकड़ लीजिए 117 कैलोरीज, जो कि हमको प्रोटीन से मिलेगी। और देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पर सर्विंग में हमको कम से कम 23 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा, विच इज़ वेरी गुड थिंग। साथ ही साथ 5.5 ग्राम्स ऑफ BCAA, जो कि हमारी बॉडी की रिकवरी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। 0 ग्राम शुगर, विच इज़ ऑफकोर्स अ वेरी बेस्ट थिंग। तो मतलब, और अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये नेचुरल वे प्रोटीन है या नेचुरल प्रोटीन है, तो क्या इसमें अमीनो एसिड्स की पूरी प्रोफाइल है। यस, जी हाँ, इसमें अमीनो एसिड्स की पूरी प्रोफाइल है, यानी कि ये कंप्लीट प्रोटीन है। एंड अब बात करते हैं हम कि मैं इस वे प्रोटीन को क्यों रिकमेंड करता हूँ। देखिए, यहीं पर इन्होंने ये सारी चीज़ें दिखा दी हैं कि क्यों ये एक अच्छा प्रोटीन है। सबसे पहले क्या चीज़ है जिसके कारण मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि सबसे पहली चीज़, इसमें शुगर नहीं है। शुगर हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक चीज़ है, जो कि नहीं है इसमें। नेचुरल शुगर यूज़ की गई है, वो भी स्टीविया के फॉर्म में, जो कि ज़्यादा कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करता है। दूसरी चीज़, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, अश्वगंधा, ब्राह्मी, शतावर, तो वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, और हमारी बॉडी उनको बहुत अच्छे तरीके से अडप्ट कर सकती है। ये बात मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे वे प्रोटीन्स हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, मैं उनका नाम लेकर यहाँ पर उनको बदनाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अपने इंग्रेडिएंट्स में ऐसे केमिकल्स ऐड करती है जो कि हमारी बॉडी के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑफकोर्स वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगी, लेकिन बाद में हमको उसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं।
दूसरा, आजकल मार्केट में ट्रेंड चल पड़ा है कि भाई सोया फ्री या ग्लूटेन फ्री होना चाहिए, तो ये टोटली सोया और ग्लूटेन फ्री भी है। प्लस और क्या क्या चीज़ें इसमें, हाँ सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी तरीके का प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया गया है। ऑल राइट, एंड अब देखिए इसमें प्रोटीन, विटामिंस तो बहुत सारे विटामिंस हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, यू कैन सी, मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, विटामिन सी एंड बी विटामिन, एंड सबसे अच्छी बात बायोटिन, यानी कि यू नो जो हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा जो प्रोटीन होता है बायोटिन, वो भी इसमें प्रेजेंट है। अब चलो इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं मार्केट में, ऐसे बहुत सारे वे प्रोटीन्स हैं जो अवेलेबल है, जैसे कि चलो मैं टॉप के ब्रांड्स लेता हूँ, मसल ब्लेस जो कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सेकंड ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, थर्ड एज इट इज़ भी अभी बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर बन गया है क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू एंड मार्केट में उसकी प्राइस थोड़ी कम है, जिस कारण लोग उसे लेना पसंद करते हैं। लेकिन एज इट इज़ की मैं पहले बात कर लूँ, जिसमें सबसे अच्छी बात तो ये कि चलो उसका प्राइस बहुत अच्छा है, वो ज़्यादा हाई प्राइस भी नहीं है, जिसके कारण एक मिडिल क्लास फैमिली वाले उसको आसानी से ले सकते हैं, लेकिन वो टोटली नेचुरल है, यानी कि वो रॉ है और उसको लेना हर किसी के बस की बात नहीं है क्योंकि उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है। तो मतलब जिसका डाइजेस्टिव एंजाइम या जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है वो ही उसको ले तो ज़्यादा बेटर है। एंड मसल ब्लेस यू नो महंगा है, थोड़ा महंगा है, तो जो लोग ले सकते हैं वो लें, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा महंगा है और उसमें कुछ केमिकल्स हैं जो भाई चलो क्या कहना। और ऑप्टिमम न्यूट्रिशन भी सेम हाई प्राइज्ड है और कुछ केमिकल्स उसमें भी यूज़ किए जाते हैं। एंड सबसे अच्छी बात क्या है इस वी प्रोटीन की या इस प्रोटीन की, कि इसका कोई क्लोन मार्केट में या इसका कोई डुप्लीकेट नहीं है। मसल ब्लेस के आपको क्लोन्स मिल जाएंगे, डुप्लीकेट्स मार्केट में मिल जाएंगे, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के या दूसरी प्रोमिनेंट जो कंपनीज हैं प्रोटीन के फील्ड में उनके आपको क्लोन्स मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल इसके क्लोन्स नहीं मिलेंगे। एंड मेरे पास जो ये वे प्रोटीन है आप देख पा रहे हैं, ओजीवा का है एंड 500 ग्राम्स का है, एंड मुझे इसकी टोटल कॉस्ट अराउंड पड़ी है अराउंड 1400 के आसपास पड़ी, और 1400 में मुझे 500 ग्राम्स ऑफ यू नो ये ग्राम का ये डब्बा मिला है। एंड अब बात करते हैं इसके टेस्ट एंड टेक्सचर की। सो सारी बातें क्लियरली मैं आपको बता चुका हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है, एंड ये वाला पार्ट मैं बाद में शूट कर रहा हूँ क्योंकि उस समय मेरा मन नहीं था लेने का। सो अभी वक्त है शाम का एंड हम इसको टेस्ट भी कर लेंगे, इसका टेस्ट कैसा है पहले इसको थोड़ा ले लूँ। देखिए मैं जनरली प्रोटीन पाउडर्स बिल्कुल नहीं लेता, आई थिंक आज तक मैंने ज़िंदगी में एक ही बार लिया था, एक बार हाँ जब एकदम शुरुआती में हमने जिम करना स्टार्ट किया था, बट अभी तो मेरा जिम भी बहुत कम हो गया है क्योंकि मेरी लाइफ जो है थोड़ी आयुर्वेदिक ज़्यादा हो गई। तो ये मैंने ले लिया थोड़ा सा शेक कर। सबसे अच्छी बात ये है कि मैं इसके पहले एक बार ये ले चुका हूँ तो ये बहुत जल्दी पानी में मिक्स हो जाता है, मैंने पानी बहुत कम लिया। अगर आप जब भी प्रोटीन पाउडर लेते हैं उसके साथ पानी में तो पानी कम लेना है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो एकदम बॉटल भर जाती है उनकी, उसमें उसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा डाउन हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग उसको थोड़ा डाइजेस्ट करने में भी टाइम लग जाता है, तो पानी कम लिया तो इसमें कंसंट्रेशन हाई है और पचने में भी अच्छा है। ग्रेट, मतलब कोई खास टेस्ट नहीं है, बट हाँ इसमें स्टीविया है जिसके कारण ऐसा फील हो रहा है कि इसमें कुछ मीठा बना है, और मेरे पास चॉकलेट फ्लेवर है तो थोड़ा बहुत ऐसा भी लग रहा है कि चॉकलेटी है। अब आपके दिमाग में ये हो सकता है कि मैं इसको क्यों प्रमोट कर रहा हूँ, वैसे तो मैं आपसे ये भी नहीं कहता कि आपको ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए, पर मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ या इस विषय में बता रहा हूँ, इसके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट में 90% ऑफ जो प्रोडक्ट है, चाहे वो किसी भी कंपनी के हो चाहे वो किसी भी सेक्टर के हो, या स्पेशली प्रोटीन पाउडर्स की मैं बात करूँ, तो उनमें ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं। तो मतलब मैं कह ही सकता हूँ कि मार्केट में जो 90% ऑफ द प्रोडक्ट है उनमें 80% ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं, जो हानिकारक है। अब वो क्यों हानिकारक है, जैसे उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किए जा रहे हैं, उसमें फ्लेवर्स ऐड किए जा रहे हैं, उस फूड को पर्टिकुलर जो फूड है जहाँ से उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है उसको बहुत ज़्यादा प्रोसेस किया जा रहा है, जिसके कारण जो उसका मेन न्यूट्रिशन है वो डाउन होता जा रहा है, उसमें अलग से केमिकल्स ऐड किए जा रहे हैं ताकि उसका टेस्ट बढ़ाया जा सके, उसको लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सके, तो ओवर एंड ऑल यू नो जो न्यूट्रिशन उनको एग्जैक्टली चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो उनमें क्या है, 80% चीज़ें खराब है, 20% वो ईटेबल है, बट ये एटलीस्ट 80% ईटेबल है, एंड इसमें भी कुछ
प्रो एंड कॉन्स हर जगह होते हैं, तो इसमें भी एक दो चीजें हैं जो ठीक नहीं है, बट ऑल राइट, हर जगह हम ये हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि बहुत आइडियल हो, बहुत अच्छा हो. तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है. एंड इफ यू विश यू कैन गो बाय ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब्स. एंड मैं अपना नाश्ता कर लेता हूँ, भूख बहुत लगी है. दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. माय नेम इज सौरभ एंड आई विश यू अ वेरी हेल्दी लाइफ.